शहर दे विच पानी ही पानी हो गया। सुखना झील दे फ्लड गेट जिहड़े ने खोल दिते गए ने। इंडिया न्यूज़ ने इसका पूरा जायजा लिया। इंडियन न्यूज पंजाब देख रहे हो। इस वेले असी किशनगढ़ विखे खड़े हाँ। तस्वीर दिखाना चाहवांगे। किशनगढ़ की यह तस्वीर है जिथे फ्लड गेट्स खोले गए ने। फ्लड गेट खोलन तो बाद ए हालात जेड़े किशनगढ़ दे ने। ए पुल है जिथो तकरीबन सवेर तो लेकर शाम तक लखा दे विच लोकी जांदे सी, लेकिन फ्लड गेट खोलन तो बाद क्योंकि बरसात लगातार चंडीगढ़ विखे हो रही है, जिस तो बाद तुसी देख सकते हो किस तरीके दे नाल ए पूरा जेड़ा पुल है बह चुका है। ए इथो जो सुखना लेक दे फ्लड गेट खोले ने, उस तो बाद ए तस्वीर है उथे दी। और अज तो तकरीबन कहा जा रहा है कई साल पहला इस तरीके दे हालात इथे बने सी के जदों इस तरीके का फ्लड देखने मिले सी और पूरा एरिया बह गया सी। हालांकि रेड अलर्ट जारी किया गया है चंडीगढ़ विखे और लगातार जिहड़े लोगों नूं अपील भी की जा रही कि इस तरफ ना आन। पूरे बैरीगेटिंग जिहड़ी है तस्वीर जरूर दिखाना चाहवांगी कि बैरीगेटिंग तुसीं देख सकदे हो कि इत्थे लगा दित्ती गई है। खतरा डेंजर यानी कि डेंजर करके सुलिख दिता गया है, किसी नूं भी आन जान तो पूरे तरीके दे नाल रोकिया जा रहा है। और जिस तरीके दे नाल लगातार बरसात हो रही है, बरसात दा कहर तुसीं देख रहे हो कि वख वख थावां दे उपर पसर रहा है। इत्थे जिहड़ा इक बनाया गया सीगा पुल जिथे लोगों की आवाजाही जो चंडीगढ़ नूं कनेक्ट करता सी किशनगढ़ तो पूरे तरीके दे नाल टुट के पानी दे विच बह गया है। और तुसी देख सकते हो कि इत्थे जिहड़े बहुत सारे दरख्त है वह भी जिहड़े पानी दे विच बह गए ने। ते कनेक्टिविटी हालांकि दूसरे पासों हो रही है, लेकिन इस तरफ तो पूरे तरीके दे नाल रोक दिती गई है। पुलिस भी इत्थे तैनात की गई है किशनगढ़ विखे। तुसी देख सकते हो पुलिसकर्मी मौजूद है क्योंकि लोगों नूं इस तरफ आन नहीं दिता जा रहा है, पूरे तरीके दे नाल रोकिया जा रहा है। सो कहा जा सकता है कि लगातार पै रहे मीह करके जिहड़े कि कहर इस वेले पूरे जिहड़े कि थावां दे उपर देखण नूं मिल रहा है। अगर गल की जाए चंडीगढ़ की तो तस्वीरां तुसीं देखिया कि किस तरीके दे नाल फ्लड गेट खोलन तो बाद हालात जिहड़े किशनगढ़ विखे पहुंचे हुए ने बने हुए ने। सो लोगों नूं लगातार अपील की जा रही है कि घरों बाहर ना निकलन, बहुत जरूरी होवे उदों ही निकले। कैमरामैन मोनू दे नाल चंडीगढ़ टू इंडिया न्यूज लई अमनप्रीत कौर। माहौल बना हुआ है, बहुत घबराने वाली सी। ये क्या पानी में फ्लड गेट दूसरी बार खोल दिए क्या? लेक के इतना पानी आया हुआ है, दूसरी बार क्यों खोलना पड़ेगा? इसमें ना प्रशासन की वो है तो ऑब्वियसली ये भगवान की मार है। यहाँ पे मनोज कितना उरे जरा नुकसान देखने को तक मिल चुका है, कितने लोगों ने इफेक्ट पे है? अभी तक ऑब्वियसली इफेक्ट तो बहुत लोगों को पड़ रहा है क्योंकि ये रास्ता चंडीगढ़ से कनेक्टेड रास्ता है। यहाँ से मतलब लाखों लोग सुबह से लेकर शाम तक जाते हैं। अच्छा, बट दिक्कत ये है कि पानी के कारण रास्ता बंद है। अभी तक यहाँ पे कोई नुकसान तो नहीं हुआ जानमान का, पर यह है कि जैसी स्थिति है ये स्थिति से ऑब्वियसली टूटी हुई है। ये कौन सी है? अपनी सीवरेज की है, सीवरेज की। अभी पानी आ रहा है, पीने का पानी आ रहा है। बार बार मनोज जी फ्लड गेट खोले गए, कितनी बार दिन से खोले जाते हैं, कितना उसका असर पे है? देखो ऑब्वियसली उसका ही असर है सारा, और उनको भी खोलना पड़ेगा। ये कोई मतलब भगवान की वो है, बारिश है, इसमें कोई किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना पर वो है। पर हाँ मतलब ये खतरे की बहुत बड़ी निशानी है। पिछले 20 साल पहले एक ऐसे ही फ्लड आया था।